हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है रेल फैंस के लिए। रोज़ाना हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रेलवे की मदद लेते हैं। रेलवे का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। इसमें पूरे भारत के राज्य आपस में जुड़े हुए हैं। भारत में लगभग हर इंसान ने रेलवे के द्वारा सफ़र किया हुआ है, क्योंकि रेलवे के माध्यम से हम भारत के किसी भी शहर या कोने तक आसानी से जा सकते हैं। वहीं काफ़ी लोगों को भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा की टिकट और यात्रा से जुड़े बनाए नियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और ये जानकारी ना होने के चलते हमें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ये वीडियो लास्ट तक देखिए भारतीय रेलवे के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। दोस्तों, पहले हम बताएंगे कि टीटी आपसे कब टिकट चेक कर सकता है। तो चलिए, जब भी रात की ट्रेन होती है तो यात्री अक्सर खाना खा के सोने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यात्रियों की लगभग यही शिकायत रहती है कि उन्हें टीटी रात में कई बार जगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, टीटी रात में 10 बजे के बाद आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। वो रात 10 बजे के बाद टिकट चेक करने, आईडी दिखाने के लिए जगा नहीं सकते। ऐसे में टीटी को ये काम रात 10 बजे से पहले ही करना होगा। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेन रात के 8 बजे की है, तो टीटी रात 10 बजे तक आपकी टिकट चेक कर लेंगे, लेकिन कुछ विशेष और ज़रूरी कारण होने पर वे यात्रियों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, अगर आपकी ट्रेन रात के 10 बजे के बाद है तो क्या होगा ये कंडीशन में। तो इस नियम के अनुसार ये इसमें लागू नहीं होता है, यानी टीटी रात 10 बजे के बाद उन यात्रियों के टिकट देख सकते हैं जो 10 बजे के बाद ही ट्रेन में बैठे हैं। रात में ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को टीटी को रात में भी टिकट और आईडी दिखानी जरूरी है। चलिए, अब हम मिडिल बर्थ के नियम के बारे में आपको बता देते हैं। रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है। रात 10 बजे से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो रोका जा सकता है। वही सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें। वहीं अभी ट्रेन में चार्जिंग को भी लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कई जोन की ट्रेनें में रात 11 बजे में बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है, यानी अगर रात का सफ़र है तो आपको 11 बजे से पहले ही मोबाइल या लैपटॉप चार्ज कर लेना पड़ेगा। अब कई ट्रेनों में रात में चार्जिंग की सुविधा नहीं रही है, क्योंकि अभी इसके वजह से कुछ एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि रेल्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से डब्बों में आग लग गई है। तो ये नियम रेलवे ने बनाया है और रात को 11 बजे के बाद चार्जिंग पॉइंट्स में पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है, तो आप सुबह में 6 बजे के बाद अपना मोबाइल और लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। तो अगला हम बताएंगे आपको कि हम रेलवे सफ़र के दौरान कितना सामान अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो रेलवे का रूल ये बोलता है कि पैसेंजर स्लीपर क्लास में हम अपने साथ लगभग 40 किलोग्राम तक सामान लेके जा सकते हैं। वही एसी टू टायर में 50 किलो तक की सामान ले जाने की छूट है, और पैसेंजर फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक का सामान लेके जा सकते हैं। यात्रा के दौरान कई ऐसे सामान हैं जो कि हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते, जैसे कि स्टव हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, या किसी तरह का ज्वलनशील केमिकल हो गया, पटाखे, तेजाब, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाज, पैकेजों में ला जाने वाले तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुओं को हम ट्रैवल के दौरान अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं। अगर इस पे हम पकड़े गए तो धारा 164 के तहत रेलवे वो पैसेंजर पर कार्रवाई कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अगर हमसे हमारी ट्रेन छूट जाती है तो इसके लिए रेलवे के नियम क्या बोलता है। तो अगर किसी कारणवश हम समय पर ट्रेन पकड़ नहीं सकें तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने स्टेशन पर लेट पहुंचता है और उसकी अपनी ट्रेन छूट जाती है
तो व्यक्ति अगले स्टेशन पर जाकर उस ट्रेन को पकड़ सकता है। वहीं टीटीबी उस व्यक्ति की सीट को दो स्टेशनों के गुजरने के बाद ही किसी अन्य यात्री को उसकी सीट दे सकता है। यानी तीसरा स्टेशन आने जाने तक अगर आप अपनी ट्रेन पकड़ने में सफल रहते हैं तो आपकी सीट किसी और यात्री को दे दी जाएगी। अगर हमारा टिकट खो जाता है तो उसके लिए हम क्या करें? तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आपसे अपनी टिकट खो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप जिस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले हैं उस स्टेशन में जाकर आपको एक नई टिकट लेने के लिए एक आवेदन पत्र देना होगा, जिसके बाद आपको डुप्लीकेट टिकट दे दी जाएगी। वही याद रखें कि नकली टिकट के लिए आवेदन पत्र आपको ट्रेन के रवाना होने के 24 घंटे पहले तक ही देना होगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक विकल्प योजना शुरू की है, तो इसके बारे में हम बताते हैं कि भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने समय समय पर ट्रेन यात्रियों के लिए उनकी यात्रा सुखद बनाने में विभिन्न सुविधाओं की शुरुआत की है। इन्हीं में से एक है कि विकल्प योजना, जो कि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए अल्टरनेट ट्रेन में कंफर्म बर्थ प्रदान करने के लिए है। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो IRCTC द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि वेटिंग लिस्ट में आने वाले यात्रियों को देख रेख के लिए लागू की। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हम अपना रेलवे टिकट कहाँ से बुक कर सकते हैं। तो हम अपना टिकट IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, या फिर हम नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाके टिकट विंडो से रिजर्वेशन अपना टिकट कर सकते हैं। और यह रिजर्वेशन हम लाइक स्लीपर क्लास में हो गया, थर्ड AC हो गया, सेकेंड AC हो गया, फर्स्ट AC हो गया, ये सारे कैटेगरी में अपने टिकट बुक कर सकते हैं आसानी से IRCTC की वेबसाइट से या फिर टिकट काउंटर पर जाके। तो चलिए, एक नियम के बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर आप जनरल क्लास से ट्रैवल करने वाले हैं और आप स्टेशन पर जाते हैं और देखते हैं कि टिकट काउंटर पर बहुत भीड़ लगी हुई है और आपकी ट्रेन छूटने वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं उस स्थिति में? आप जाकर ट्रेन पर स्टेशन पर जाकर आप एक प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लें, और वो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के बाद वो लेकर आप ट्रेन को बोर्ड कर लें, और जब आप TT आएगा आपके पास तो उनको ये प्लेटफॉर्म टिकट दिखा देंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि आप ये स्टेशन से ट्रेन पकड़े हैं। तो टिकट आपको वो स्टेशन से लेके और आपको जहाँ तक जाना है वो जगह तक का आपको टिकट बना के दे देंगे। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर किसी कारणवश आपकी ट्रेन मिस हो गई तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप अपना किराए को रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको TDR यानी टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट को फाइल करना होगा। इसे आप अपने टिकट का 50% तक का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो ऐसी स्थिति में रेलवे के नियमों के अनुसार उस सीट को TTE दो स्टेशनों तक किसी और को अलॉट नहीं कर सकता। दो स्टेशन के बाद TTE को यह अधिकार रहता है कि वह उस सीट को किसी को दे सकता है। तो यात्रा का एक और नियम हम आपको बताते हैं दोस्तों। अगर आपने IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक किया है और आपका टिकट वेट लिस्टेड कैटेगरी में है, और जब ट्रेन का चार्ट बनता है उस टाइम तक अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आप टिकट बोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए आप विंडो से टिकट निकालेंगे तो वेटिंग का टिकट लेकर भी आप यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप ई टिकट निकालें और टिकट वेटिंग से कंफर्म नहीं होता है तो वो टिकट कैंसिल हो जाएगा, और अगर कंफर्म हो जाता है और आपको सीट अलॉट हो जाता है तभी ही आप यात्रा अपनी कर सकते हैं। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें यात्रा के दौरान। जब भी आप ट्रेन से सफ़र करें तो अपना टिकट लेकर ही सफ़र करें। बिना टिकट आप रेलवे में कभी भी सफ़र नहीं कर मत करें। अगर आप पकड़े गए तो आपसे दंड वसूला जाएगा TTE द्वारा, ये बात ध्यान रखें आप। तो दोस्तों, ये थी रूल्स एंड रेगुलेशन इंडियन रेलवेज़ की, जो कि सफ़र के दौरान हर यात्री को मालूम रहना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके कुछ कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम अब आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।